हेलो एंड वेलकम टू ओलोपी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक कुमार यूट्यूब चैनल में। एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे मेरा उत्साह बहुत बढ़ता है और वीडियो को एंड तक देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो है। आपने यहाँ पर एक बात तो सुनी ही होगी कि हर साल यहाँ पर एक रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश होती है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। उसमें ये हेनले जो है, हेनले नाम की एक प्राइवेट फर्म है, यूरोप में बेस है, ये हमको बताती है कि हर साल किस देश का जो पासपोर्ट है वो कितना पावरफुल है। आप इसमें देखते होंगे कि जर्मनी का पासपोर्ट ऊपर रहता है, जापान का पासपोर्ट ऊपर रहता है, मतलब इन देशों का पासपोर्ट लेकर के अगर आप ट्रैवल करते हैं तो दुनिया की ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में आपको वीजा ऑन अराइवल जैसी सुविधाएं यहां पर मिल जाती है। तो इसी हेनले फर्म ने एक और रैंकिंग यहां पर जारी की है जो कि हर साल ये करते हैं, साल में एक बार। इसका नाम है हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट, हर साल जारी करते हैं। तो इस साल का रिपोर्ट है 2023, जिसमें यहां पर ये बताते हैं कि इस दुनिया में कितने ऐसे मिलीनियर्स हैं जो कि अब बेहतर जिंदगी की तलाश में अपना देश छोड़कर के दूसरे देश में रहने के लिए चले जाते हैं। आप बोलेंगे कि अगर मिलीनियर्स दूसरे देश में जाते हैं तो उससे मेरा क्या मतलब, एक आम आदमी का क्या मतलब? देखिए, एक आम आदमी के बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसकी लाइफ पर अगर उसके देश से एक मिलीनियर यानी कि करोड़पति आदमी छोड़ करके चला जाता है, वो मैं इस वीडियो में आपको अभी बताने वाला हूँ। लेकिन अगर मिलीनियर की डेफिनेशन यहाँ पर देखें, किसको हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोलेंगे, HNWI, तो एक ऐसा आदमी जिसके पास बैंक में या स्टॉक्स में इतना पैसा लगाया हुआ है उसने कि जिनकी वैल्यू 8 करोड़ 20 लाख रुपए है, इसमें उसकी प्रॉपर्टी कोई भी यहां शामिल नहीं होनी चाहिए, उसका बैंक में जो लिक्विड मनी है उसको यहां पर काउंट किया जाता है। अगर एक आदमी के पास 8 करोड़ 20 लाख रुपए है तो उसको हम मिलीनियर बोलेंगे। इस मिलीनियर में भी 3 कैटेगरी होती है। अगर एक व्यक्ति के पास $1 million से $5 million तक है तो उसको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोलेंगे, मिलीनियर। अगर उसके पास $5 million से $30 million का नेटवर्थ यहाँ पर है तो उसको बोलेंगे वेरी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। अगर उसके पास $30 million से ज्यादा कैश यहाँ पर है तो उसको अल्ट्रा हाई यहाँ पर नेटवर्थ इंडिविजुअल की कैटेगरी में यहाँ पर डाला जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट ने बोला है कि हमारे देश से, भारत से इस साल 6,500 लोग, अपना करोड़पति लोग देश छोड़कर के बाहर चले जाएंगे एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। पूरी दुनिया का अगर एस्टिमेट देखें तो यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया है कि 2024-22 में 84,000 लोग यहाँ पर अपना देश छोड़कर के दूसरे देशों में रहने चले गए थे। इस साल करीब 1,22,000 लोग अपना देश छोड़कर के दूसरे देशों में रहने के लिए जाएंगे। और 2024 का भी अनुमान इन्होंने लगाया है कि 1,28,000 मिलीनियर्स जो हैं वो अपना देश छोड़कर के बाहर के देशों में प्रवास करने के लिए जाएंगे एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। इसमें इन्होंने रैंकिंग भी दिया गया है। इस रैंकिंग के हिसाब से सबसे ज्यादा जो मिलीनियर्स अपना देश छोड़ेंगे वो होंगे चीन से 13,500 करोड़पति लोग अपना देश छोड़कर के चले जाएंगे। लास्ट ईयर 10,000 लोगों ने चाइना छोड़ा था, इस साल 13,500 लोगों ने यहां पर चाइना छोड़ने का प्लान बढ़ा लिया है। और यहां पर चीन से जो लोग हैं वो कहां पर रहने के लिए जाएंगे, आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि चीन से जो भी करोड़पति लोग चीन के बाहर रहने के लिए जाते हैं वो जाते हैं ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि आप क्यों जाते हैं ये भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। अगर दूसरे नंबर पर आता है इंडिया से इस साल 6,500 लोग भारत छोड़ करके जाएंगे करोड़पति लोग। लास्ट ईयर हमारे यहां से 7,500 लोग करोड़पति छोड़ करके हमारा देश चले गए थे। लेकिन भारत से जो लोग बाहर रहने के लिए जाते हैं, आप सोच रहे होंगे कि वो ज्यादातर कहाँ जाते हैं। देखिए, उनमें सबसे ज्यादा 70% के आसपास जो इंडियन होते हैं वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में चले जाते हैं, दुबई जैसी सिटी में रहने के लिए चले जाते हैं, कुछ लोग US वगैरह में भी माइग्रेट हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर UK है, UK से इस साल 3,200 लोग, 3,200 लोग सिंगापुर में माइग्रेट होंगे। लास्ट ईयर यहाँ पर 1,600 लोग यहाँ पर माइग्रेट हुए थे। आप बोलेंगे कि UK तो बहुत डेवलप्ड कंट्री है तो वहां से लोग सिंगापुर में क्यों आएंगे? तो देखिए, मैं बता देना चाहूंगा कि अभी सिंगापुर में जो है लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, वहां के टैक्स रूल और बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। तो UK के जो करोड़पति लोग हैं वो सिंगापुर में रहना आज के टाइम में प्रेफर कर रहे हैं। अगर बात करें रशिया की, तो रशिया से इस साल 3,000 करोड़पति लोग यहां पर अपना देश छोड़ेंगे। लास्ट ईयर 8,500 लोगों ने अपना देश छोड़ दिया था। आप सोचेंगे कि रशियन रहने के लिए कहां जा रहे हैं, तो रशियन USA में रहने के लिए जा रहे हैं।
और आप हैरान होंगे कि रशिया और यूएस दोनों एक दूसरे के विरोधी देश हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए रशिया के ऊपर आज के टाइम में बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो रशियन जो बिजनेसमैन है उनको बिजनेस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है और वो तेजी से यूएस में जा रहे हैं और अपना बिजनेस को वहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बाद करें अगर ब्राजील की, तो ब्राजील से इस साल 1200 लोग अपना देश छोड़ करके जाएंगे। लास्ट ईयर ब्राजील से 1800 लोगों ने अपना देश छोड़ करके यहाँ पर प्लान किया था और ब्राजील के ज्यादातर जो लोग हैं वो जाते हैं स्विट्जरलैंड में रहने के लिए। उसके बाद करें हांगकांग की, हांगकांग से इस साल 1000 लोग अपना देश छोड़कर के कनाडा में शिफ्ट होंगे जो करोड़पति लोग हैं। लास्ट ईयर 2400 लोग हांगकांग छोड़कर के कनाडा में शिफ्ट हो गए थे। तो हांगकांग और चाइना का जो केस है वो एक ही दोनों जगह पे इशू है, इसलिए वहां से लोग अपना देश छोड़ते हैं। मैं आगे अब भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप बात करेंगे कि किस देश में कितने यहाँ पर मिलीनियर्स करोड़पति रहते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपके मन में आ सकता है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आप नंबर वाइज देखें तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो करोड़पति है वो 2.5 करोड़ यूएसए में है, और यूएसए में करोड़पतियों का जो नंबर है वो है 2.5 करोड़। यूएसए की टोटल पॉपुलेशन का करीब 9.7% करोड़पति लोग हैं, यानी कि हर 10वां आदमी यहां पर करोड़पति है। इसलिए यूएस को यहां पर बोला जाता है अमीरों का देश, और बहुत सारे लोग यहां पर माइग्रेट हो जाते हैं। यहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी है, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इसलिए जो करोड़पति लोग हैं वो ज्यादातर यूएस में रहना प्रेफर करते हैं। दूसरा नंबर है चाइना का, चाइना में है 62 लाख मिलीनियर्स करोड़पति लोग, जो कि चाइना की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका केवल 0.6% ही है। जापान में यहां पर आप यहां पर देखेंगे कि 33.6 लाख लोग यहां पर करोड़पति हैं, जो कि भारत से ज्यादा है और भारत की पॉपुलेशन जापान से बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर जापान की टोटल पॉपुलेशन का देखें तो 3.2% वहां पर ऐसे लोग हैं जो मिलीनियर्स हैं। इंडिया की अगर बात करें तो भारत में केवल 8 लाख लोग ही ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, और ये भारत की टोटल पॉपुलेशन का 0.1% है। हालांकि हमको यहां पर घबराना नहीं चाहिए, जिस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, इस रिपोर्ट में बोला गया है कि भारत में करोड़पतियों की संख्या बढ़ती ही जाएगी। यहां पर अगर आप ये बात जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें नंबर उस देश की टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज सबसे ज्यादा करोड़पति है, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां के 15.5% जो पॉपुलेशन है वो करोड़पति है। दूसरे नंबर पर आता है हांगकांग, हांगकांग में 15.3% वहां की पॉपुलेशन करोड़पति है। अगर नंबर वाइज बात करें तो स्विट्जरलैंड में 6-7 लाख लोग करोड़पति हैं, हांगकांग में करीब 3.5 लाख लोग यहां पर करोड़पति हैं। लेकिन इन दोनों जो ये रीजन है इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, तो ये इसलिए परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहां पर बढ़ जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में हम क्या कर सकते हैं ताकि करोड़पति लोग देश को छोड़ करके नहीं जाए। तो इसका सीधा सा आंसर है, हमको अपने देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, वर्ल्ड क्लास स्कूल्स, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स, कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा इंप्रूव करनी होगी, वर्ल्ड क्लास हाईवेज, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवेज, वर्ल्ड क्लास रेलवे हमको बनानी होगी, ट्रेवल टाइम बहुत घटाना होगा और जो लोगों की जो यहाँ पर सुविधाएं हैं उनको बहुत बढ़ाना होगा। तो एक अमीर आदमी जो है वो देश को छोड़ करके नहीं जाएगा। इसके अलावा हमारे देश में जो अमीरों पर लगने वाला टैक्स है वो 30% है, तो उसको भी थोड़ा सा कम हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। एक अमीर अगर देश में रहता है तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, वो होटल्स में स्टे करता है, वो रेस्टोरेंट्स में खाना खाता है, महंगी गाड़ियां वो परचेज करता है और उसका बहुत ज्यादा कंजप्शन होता है, तो इंडियन गवर्नमेंट को ओवरऑल वो टैक्स देता है। तो भारत की सरकार को जब टैक्स मिलेगा तभी भारत की सरकार जो है आम पब्लिक के लिए यहाँ पर पैसा यहाँ पर खर्च पाएगी। चाइना की अगर बात करें तो देखिए चाइना में क्या है, जब लोग करोड़पति हो जाते हैं तो वो चाइना छोड़ना प्रेफर करते हैं, क्योंकि चाइना में जो है कम्युनिज्म बहुत हद तक फैला हुआ है। अगर आपने गलती से भी चाइना की सरकार के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे दी तो आप रातों रात डिसअपीयर हो जाओगे। जैक मा को आप देख सकते हैं, चाइना के सबसे अमीर आदमी, उन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कुछ शब्द बोले थे और कई महीनों तक वो दिखाई नहीं दिए थे। वो चाइना के सबसे अमीर आदमी थे, अगर यहाँ पर कोई नॉर्मल व्यक्ति होता तो हमेशा के लिए ही यहाँ पर गायब हो सकता था। रूस का मैंने आपको बता ही दिया है, रूस पे बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगे हुए हैं, इसलिए वहां के लोग यूएस में जाकर के बिजनेस कर रहे हैं ताकि उनका बिजनेस इजीली चलता रहे। हांगकांग भी चाइना के अधीन आ गया है, तो सेम कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं वो यहाँ पर पावर में हैं, इसलिए लोग यहाँ पर हांगकांग को भी छोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस रिपोर्ट में मैंने जैसे आपको पहले बताया ये बात मेंशन की गई है कि भारत जो है इस लिस्ट में बहुत ऊपर जाता रहेगा, क्योंकि भारत की जो सरकार है आज के टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर
पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। न्यू पॉलिसी यहाँ पर आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बिल्ड किया जा रहा है। हेल्थ सेक्टर आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री बीमा योजना जो आया है, 5 लाख रुपए तक का हर परिवार को फ्री इलाज मिल रहा है, वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर हेल्प करने वाला है। भारत का एजुकेशन सिस्टम को हमको रियली बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और हमारे देश में जैसे स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पर चलाया गया है, तो हमारा देश भी यहाँ पर यूरोप की तरह आगे जाकर बहुत अच्छा साफ सुथरा हो जाएगा। तो भारत से जो माइग्रेट करने वाले लोग हैं उनकी संख्या यहाँ पर रियली कम हो जाएगी। और यहाँ पर यह भी देखा गया है भारत के केस में कि कुछ लोग जो देश छोड़ करके गए थे, अब भारत की जो प्रगति है, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है, कुछ लोग वापस भी आ रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर यही देखना होगा कि ये जो 6,500 लोग देश छोड़ करके जा रहे हैं, अगर इनका नंबर हमको बहुत ज्यादा कम करके हम 400-500 पे ले आते हैं तो ही हमारे लिए बड़ी जीत होगी। नहीं तो हमारे देश में जो इनकम टैक्स और जो कॉर्पोरेट टैक्स और जो परचेजिंग पावर जो फैमिलीज हैं, अगर वो देश छोड़ेंगी तो हमारे देश की सरकार का टैक्स जो कलेक्शन है वो कम होगा और विकास के काम पर हमारे देश की सरकार पैसा कम खर्च पाएगी। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो का। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।